गुड मॉर्निंग। वैसे आज की मॉर्निंग गुड तो बिल्कुल नहीं है डीएलएड वालों के लिए, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ और मैथ का पेपर निरस्त हो गया। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई गलती दूसरे की थी तो दूसरे की गलती की सजा हम क्यों भुगते हुँ? लग रहा है ना? कल की न्यूज आई कि मैथ का पेपर लीक हो गया। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, 6 और 7 और 8 क्लास की भी मैथ नहीं होती है? 6 और 7 तक की ही मैथ होती है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, 8 की भी मैथ नहीं होती है? और हमारे यहाँ पूरे भारत में कम से कम 8 तक की मैथ तो कंपलसरी है ना हर बच्चे के लिए, हर बच्चा पढ़ते हैं। फिर 6 और 7 की मैथ का पेपर एक डीएलएड के बच्चे निरस्त करवा रहे हैं, लीक कर रहे हैं, डूब मरने वाली बात है। सच में शर्म आ रही है मुझे इस बात पे कि डीएलएड के बच्चे, जो 20-22 साल का एक बच्चा 8 क्लास का या 7 क्लास का, 7th और 6th क्लास का मैथ का पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहा है। गलती किसकी है? किसकी है ये गलती? आपकी? अपनी गलती तो मानोगे नहीं भाई। हमने, सीधी सी बात हर बच्चा बोलता है, हमने तो पढ़ाई की ही नहीं थी, हमने मैथ नहीं पढ़ा, हमें मैथ अच्छा नहीं लगता, तो ये गलती किसकी है? शिक्षक की? हाँ बिल्कुल है, उन्हीं की गलती हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आपके चरित्र निर्माण पर कभी ध्यान नहीं दिया। यह गलती सिर्फ शिक्षक की ही है। रोजगार परक शिक्षा में चरित्र निर्माण पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहीं नहीं सिखाया जाता कि चरित्र का भी निर्माण कराया जाए, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। और यह परंपरा चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होने वाली परंपरा है यह। जैसे दहेज है ना, चला आ रहा है और चलता जाएगा, वैसे यह परंपरा भी, नकल करने की परंपरा, पैसे देने की परंपरा, खुद को लूटे जाने की परंपरा चलती आ रही है और चलती जाएगी, क्योंकि ना तो आप इसे बदलना चाहते हैं और ना इसे प्रशासन बदलना चाहता है। यह जो नकल हुआ ना, यह नकल सिर्फ एक बच्चे ने नहीं किया, एक शिक्षक ने कराया होगा। बिना शिक्षकों के मिली भगत के यह नकल नहीं हो सकता था। पेपर कहां से गया? कैसे लीक हुआ है पेपर? आप शिक्षक बनने वाले हो, क्या करोगे आप? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जो मतलब भविष्य के शिक्षक हैं, जो उनको देश का निर्माण करना है, वे आज नकल कर रहे हैं, अपने साथ कितनों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। क्या है ये? आप कहोगे कि मैम गेहूं के साथ तो घून भी पिसा जाता है, तो आपने अपने को घून समझ लिया? हो कौन आप? अपने आप को तो समझो। पेपर निरस्त हुआ, बुरा लग रहा होगा। इस समय कोई भी यह नहीं कहेगा कि हाँ इस गलती में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। नकल करने का जब मौका मिलता है ना, तो आप सब नकल करते हो। कोई ऐसा नहीं होता जो नकल करने के मौके को छोड़ दे, जो खुद पर भरोसा करे और अपने पर भरोसा करके एग्जाम दे। जहां 2000 रुपए की होती है कि बेटा 2000 रुपए दे दो, मैं आपको नकल करा दूंगा, तुरंत आप पैसे लेके जाते हो, दे देते हो। कुछ नंबर्स पाने के लिए आप हर जगह पैसे देते हो, आपके इंटरनल के पैसे, आपके एग्जाम के पैसे, हर जगह आप पैसे फेंकते हो, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। डूब मरने वाली बात है, खुद पे इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी मेहनत से नंबर ला सकते हैं। पैसे दे देते हो कि हमें नंबर दिला दो, और जब तक ये होगा ना, जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आपके साथ यही होगा। खैर मेरी बातें तो आपको पल्ले नहीं पड़ेंगी। अभी आपको ये लगा कि क्या मैम आपने इस बुरे हालत में और कुछ सुना दिया हमें, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक शिक्षक नहीं सुधरेंगे, जब तक शिक्षक अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं करेंगे, जब तक कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं होगा, जब तक चरित्र निर्माण रोजगार से ऊपर नहीं आएगा, आपके साथ यह होता रहेगा। खैर देख लेते हैं क्या है यार। गणित और सामाजिक विषय का पेपर लीक हुआ, सोच लो, ऐसा पेपर लीक हुआ जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। गणित के बिना जिंदगी नहीं है, गणित के बिना तो यार बच्चे का जन्म तक नहीं होता, और उस गणित का पेपर लीक हो रहा है जो 6 और 7 का मैथ है। सामाजिक विषय का पेपर लीक हो रहा है,
हम कहते हैं हम तो अपने अतीत से जुड़ के आए हैं, हमारा अतीत, हमारा गौरवशाली अतीत, और उस गौरवशाली अतीत के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है कि उसके लिए भी नकल हो रहा है। खैर देख लो भाई, पेपर लीक हो गया आधे घंटे पहले और उसका पेपर का सॉल्यूशन बच्चे लेके जा रहे हैं। ये हालत है बच्चों की, देख लो। दूसरे पेपर में पहले पेपर का आंसर लिख के ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नीट का एग्जाम हो या यूपीएससी है, जहाँ भैया बड़े कलेक्टर बन जाएंगे। क्या कर लोगे? अरे भैया अभी डीएलएड दे दोगे, डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट देना पड़ेगा या टेट देना पड़ेगा, कोई भी एसटेट देना पड़ेगा। इतना अभी से ये हाल है तो आगे जाके क्या करोगे? आपको न्यूज़ सुनाने का मेरा मन नहीं है, न्यूज़ तो सबको पता होगा, लेकिन अगर जरा सा भी चरित्र है ना, जरा सी भी अगर मर्यादाओं का ध्यान है ना, तो एक बार सोचो। आपका भविष्य, सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य है। आप आज नकल कर रहे हो, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? और जो शिक्षक इस नकल में साथ दे रहे हैं ना, जिन्होंने भी साथ दिया है, वे आपको बर्बाद कर रहे हैं। मुझे याद है एक वाक्या कि मैंने एक जब डीएलएड के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही थी, उनका एग्जाम था, मैंने कहा बेटा नकल मत करना, क्योंकि आज अगर तुमने नकल किया तो या तो इंटरनल्स एग्जाम्स हैं, जब आप वहां जाओगे डायरेक्ट पे एग्जाम देने जाओगे तो वहां क्या होगा आपका। मेरी ये बात हर बच्चे को बुरी लगी थी, और उनके सीनियर्स ने उनको नकल कराया, वे बच्चे इतने खुश हुए अपने सीनियर से, और मैं उनकी नजरों में बुरी बनी थी, क्योंकि मैंने उन्हें उनका भविष्य की सच्चाई दिखा दी। मैं बुरी भी थी और उनको ये सारी चीजें अच्छी लगी जो उनका साथ थी। अरे बेटा, जो तुम्हें घून बना रहा है उस इंसान पर भरोसा मत करो, उस पर भरोसा करो जो आपकी अच्छाइयों को, आपके कमजोरियों को आपको बता रहा है। आप उस पर भरोसा करते हो जो आपको नकल करा देता है 2,000 रुपए लेके। अरे यार, जिसका खुद का ईमान नहीं है वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? सोचा है कभी? नहीं सोचोगे, क्यों सोचने जाओगे भाई? तुम्हें खुद ही नकल करने में मजा आता है। जहां मैम नंबर बढ़ा दीजिए, प्लीज सर नंबर बढ़ा दीजिए, क्या है ये सब? खुद पे भरोसा है? एक बार झांको अपने गिरेबान में, पता चलेगा कितने कमजोर और कितने बुजदिल हो तुम लोग। समझो अपने आप को, शिक्षक बनना है, शिक्षक इतना बड़ा कर्तव्य है, इतना बड़ा, उसके आगे हर चीज फेल है, हर चीज छोटी है। आपको देश का निर्माण करना है। मेरे चैनल का जो लोगो है ना, वह यही है, शिक्षक देश का निर्माण करते हैं। ऐसे देश का निर्माण करोगे और उसके बाद मोदी जी, योगी जी और वगैरह वगैरह सभी नेताओं को कहोगे कि ये नेता बर्बाद है, नेता बुरे हैं, ये पार्टी बुरी है। यार वो भी तो आप ही लोगों के पढ़ाए हुए हैं ना, किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, जिनको खुद ही चरित्र नहीं आता होगा, जिनको खुद नहीं पता होगा कि गलत का और सही में अंतर क्या है। ऐसे लोग पढ़ा पढ़ा के भेजते हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी गलती आपके माँ बाप की है, जो आपको पैसे देते हैं नकल करने के लिए। बुरा लग रहा हो तो लगने दो, लेकिन एक सच्चाई है, और एक कड़वी सच्चाई है आपके जीवन की, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक आप नहीं सुधरोगे कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। आज भी समय है, सुधर जाओ। दिवाली के बाद फिर पेपर होने वाला है, इस बार की दिवाली अपनी किताबों के साथ मनाओ, ताकि अगली बार जब पेपर हो तो आप अपनी मेहनत से नंबर ला सको और बोल सको दूसरों को कि हाँ बिना नकल के भी नंबर आ सकते हैं। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप पढ़ने के लिए तो तैयार हो जाओ। कब तक चलेगा ये सब? आज आप नकल कर रहे हो, कल आपके बच्चे नकल करेंगे, कल आपके स्टूडेंट्स नकल करेंगे, कल आपके बच्चे आपको पैसे देंगे, सर पैसे ले लो हमें नकल करा दो। अरे कब तक गिरते रहोगे? कितना गिरोगे? और आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, आप घून बन जाते हो कि हम तो गेहूं के साथ पिस गए। आपको पीसने वाला जो है ना, वह शिक्षक नहीं है। शिक्षक वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, शिक्षक वो नहीं होता जो आपको गहरे कुएं में डाल दे। हाँ मैं बुरी हूं, क्योंकि मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रही हूं, आपकी नजरों में बुरी हो सकती हूं मैं, लेकिन मेरी बात अगर मान लोगे ना, एक बार मान लो मेरी बात, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर आप डीएलएड के एग्जाम में नकल कर रहे हो तो आपका सीटेट कैसा होगा, टेट कैसा होगा,
कैसे पास करोगे उसे? कैसे? सोचना जरूर, और अगर पढ़ने का मन हो तो मुझे बता देना। मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तुमको सिखाना चाहती हूँ। चरित्र निर्माण से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसा आप हो, आप वही अपने बच्चों को सिखा सकते हो, वही आप अपने छात्रों को सिखा सकते हो। छात्र देख के सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, आपके बोलने से नहीं सीखते। तो प्लीज नकल मत करो अब। एक बार अपनी ग्रीवान में झांको, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप कौन हो। आपने नैतिक मूल्य पढ़े? डीएलएड में है नैतिक मूल्यों का सिद्धांत, आपने उसे पढ़ा तो उसे आप अमल में कब लाओगे? एक बार सोचो, एक बार जरूर सोचना। और इस बार की दिवाली आपकी पढ़ाई के नाम, पटाखे जलाने से, दिए जलाने से, बाहर के दिए जलाने से ज्यादा बेहतर है आप अपने अंतर मन का दिया जलाओ। इस दिवाली कुछ नया करते हैं, पूरे जोश के साथ। तो ठीक है, चलो। ये एग्जाम, दो पेपर लीक हुए हैं अभी, मैथ के पेपर का तो ये हुआ, दोबारा होगा। तो सच में दूसरों की गलतियों की सजा आपको मिली है। उसे ब्लेम करने से बेहतर है आप एक बार फिर से तैयार हो जाइए संघर्ष करने के लिए, क्योंकि शिक्षक का जीवन संघर्षों से भरा होता है। जीवन के हर मोड़ पर उसे संघर्ष करना है। तो अभी से आप तैयार होते रहो, ठीक है? इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।